सुबह सुबह भागा दौड़ी, जब भी आपका मैटर होता है सुबह बहुत दिक्कत होता है। सुबह सुबह 8 मीटर्स लगे हैं तो कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मोमोज अलाउड होता है क्या ले जाना? मेट्रो में पहली बार मोमोज कितना के जी है? ट्रांसपोर्टिंग समय मोमोज। हाँ तो मैं बता रहा था आपको कि एक से ज्यादा केसेस सभी हों, जैसे आज मेरा 8 केस है, तो कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले ये सीखने वाली बात है कि आपको एक टीम बनाना, बिना टीम के एडवोकेसी तो मुश्किल है। जैसे आज हमारा एक मैटर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में है, 6 मैटर रोहिणी कोर्ट में है, 1 मैटर तीसदारी कोर्ट में है, अकेले ये पॉसिबल नहीं है, एक टीम की ज़रूरत होगी। और यदि आप नए हैं तो आपको टीम तो बनाना ही चाहिए ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर पाएं। कोर्ट नंबर 1। तो मैं बता रहा था टीम के बारे में कि टीम आपको बनाना पड़ेगा, तो अब देखना है कि टीम कैसे बनेगी ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो टीम के लिए ज़रूरी है कि लाइक माइंडेड पीपल जो बिल्कुल डिवोटेड हैं इस प्रोफेशन के लिए, जो लिटिगेशन ही करना चाहते हैं, जो द्वंद में है कि हाँ जी हमको जज भी बनना है, हमको वकील भी बनना है, हमें एमएनसी भी ज्वाइन करना है, कॉरपोरेट ज्वाइन करना है, कन्फ्यूजन वाले व्यक्ति से दूर रहें। बिल्कुल जो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल दे दिया लिटिगेशन को कि जी कुछ भी हो जाए करना यही है। कई बार घर से भी प्रेशर आता है, हमें भी आता है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, कोई जज बन जाओ, अरे भाई नहीं बनना है, नहीं बनना है। कई बार ये कहेंगे कि तुम बस एग्जाम दे दो और निकाल के छोड़ देना। अरे भाई बेवकूफ़ है, इतना टाइम है मेरे पास, दिन दिन के 8-8 मैटर लग रहे हैं और ये सब को छोड़ करके हम जज का तैयारी करें, नहीं बनना है जज। तो ऐसे ही लोगों को आप अपने टीम में रखिए, 2 से 3 लोग को आपको टीम में रखना पड़ेगा जो बिल्कुल डिवोटेड हैं, मजा आता है उनको। ऐसे हाफ हार्टेडली काम करने से लिटिगेशन जो है वो नहीं होने वाला है। तो पहला टिप तो ये हो गया। दूसरा टिप्स आपको हम देने वाले हैं रोहिणी कोर्ट में पहुंच करके, वहां पे देखते हैं कि क्या आपको मैं सिखा सकता हूँ। चलो नाउ आई एम इन रोहिणी कोर्ट। तो मैंने आपसे बोला था कि टिप नंबर 2 मैं जो है रोहिणी कोर्ट पहुंच के दूंगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यदि आप इस प्रोफेशन में हैं तो कंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। यदि आप कंटिन्यूस नहीं रहेंगे मज़ा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये इंश्योर करें कि आप रेगुलर कोर्ट विजिट करें, चाहे आपका केस रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट यदि जाना है तो जाना है, इसमें कोई मतलब दूसरा सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है इनिशियल ईयर्स में कि आप किसी सीनियर को ज्वाइन करें, क्योंकि इनिशियल ईयर में आपके केसेस नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि आपको वहाँ जाना है, वहाँ जाएंगे तभी सीखेंगे, क्योंकि किताब में तो नहीं सीख सकते, लॉ कॉलेज में नहीं सीख सकते। तो वहाँ जाने के लिए ज़रूरी है कि हम सीनियर को ज्वाइन करें ताकि कंटिन्यूस हम वहाँ पे जा सकें और चीज़ों को जो है सीख सकें। दूसरा टिप तो ये है। अब तीसरा थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें हो गया, उन्होंने मेंशन तो कर दिया था। हाँ। तो प्रेजेंस लगा दी थी। क्या हाल है? हो गया तुम्हारा? विजय की तरफ से एक लड़की बैठी हुई थी उससे लगवा दी थी। हाँ। कहाँ है वो लड़की? ठीक है। और सुरेश की तरफ से मैंने लगा दी थी। ठीक है। और लेकिन अभी जो है ना दोबारा पुटअप होगा, दोबारा पुटअप होगा। ठीक ठीक। और दूसरे वाले केस में चौथे वाले उसमें 5 मई लगता है, 5 मई। और ठीक ठीक ठीक। खुशबू राणा वाले कितना? 12:30 बजे बोल रहे हैं। ठीक 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 ठीक। तो मैं ये बता रहा था कि आपको कंटिन्यूस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, यदि आप कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है यहाँ जानना कि दिल्ली में यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। ये फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप हर दिन एक कोर्ट में कॉम्पिटेंट एडवोकेट के साथ आप डील करते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स सारी चीज़ें हैं। तो इनकेस यदि कोई ऑर्डर फेवरेबल नहीं पास हुआ लोअर कोर्ट में, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट से ही कुछ हो। दूसरी जगह पे यह है कि अब हाईकोर्ट जाने के लिए सोचना पड़ेगा, दूसरे एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले वहाँ जाते नहीं, क्योंकि यदि वो हाईकोर्ट गए तो फिर वहाँ उनका सारा काम सफर हो जाएगा। एक तो यह है, और दूसरा यह है कि कई बार कॉम्पिटेंसी भी नहीं होती कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो एडवोकेट हैं वो हाईकोर्ट में चले जाएँ। दूसरे स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, दिल्ली को छोड़ करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रहने वाला लखीसराय का हूँ, जो कि बहुत छोटा सा जो है डिस्ट्रिक्ट है बिहार। अब यदि मैं वहाँ प्रैक्टिस करूँ और कोई ऑर्डर मुझे चैलेंज करना हो हाईकोर्ट, तो पटना हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, और यदि हम पटना हाईकोर्ट गए तो फिर क्या होगा कि नीचे वाला अगले दिन जो मैटर है सब छूट जाए। तो इस वजह से जो है ना दिक्कत होता है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो दिल्ली में नहीं, दिल्ली में यदि कोई ऑर्डर आज आया है और आज मुझे चैलेंज करना है तो कल हाईकोर्ट जाएंगे और कल हो, तो यहाँ के एडवोकेट का कॉन्फिडेंस भी साफ में आसमान पे होता है, और इसीलिए पुलिस वालों से और इसमें उलझने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। 2 मिनट में हाईकोर्ट करेंगे, 2 मिनट में सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हमें दूसरा एडवोकेट भी हायर नहीं करना पड़ेगा कि पटना हाईकोर्ट के लिए अलग से, जैसे हायर करते थे दिल्ली हाईकोर्ट में अलग से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अलग से। नो, कॉन्फिडेंस यही है कि यहाँ पे आप खुद ही करें, इसलिए जो है थोड़ा रॉब में रहते हैं, छोड़ में रहते हैं और रहना भी चाहिए, एक रॉब होना चाहिए। ठीक है।
एक हमेशा फर्स्ट चॉइस में आपका एडवोकेसी होना चाहिए, सेकंड वाला मजा नहीं आता। अभी वाले मैटर में क्या हुआ, कुछ और आने वाले मैटर में क्या हो गया? पुराने मैटर में जो मैडम थी अभी वो छुट्टी पे थी, हाफ डे पे थी, तो उन्होंने नेक्स्ट डेट के लिए बोला था, तो हमने उसे 6 तारीख की नेक्स्ट अप्लाई, मतलब छुट्टी, यही सब दिक्कत है, उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा वेबसाइट पे। अब ये भी दिक्कत है यहाँ कि अब अपडेट नहीं करते हैं, वेबसाइट पे अपडेट करते तो हमारा टाइम बच जाता है। चलो कोई आफ्लू है, आफ्लू में अभी तक भी नहीं अपडेट नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, तो इसमें डेट लग गया ना, सब थक गए। चलो यार जी, तुम नाम जस्ट साहब बोल रहे हैं, तुम्हारा नाम यार ऐसा है कि लिखा ही नहीं पा रहे हैं, क्या करें। कल की बात है, तो कल क्या हुआ कि अमन से मैंने पूछा इससे कि जाओ लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ, ठीक है, इससे इस लड़के से। तो इसने कहा सर लाइब्रेरी कहाँ रोहिणी कोर्ट में, मुझे नहीं पता। तो मैंने पूछा कि कैंटीन कहाँ पता है, बोला हाँ सर वो तो पता है। तो कैंटीन रहा भैया इस साइड, देखिए यहाँ, और उसके जस्ट साइड उधर है लाइब्रेरी, इनको कैंटीन पता है लेकिन लाइब्रेरी नहीं पता। बात बता रहा हूँ, जब हम लोग इंटर्नशिप करता था, मैं करता था, तो यहाँ पे जैसे हम लोग पी रहे हैं ना एक ही साथ से बनाना से, तो जो सीनियर होते थे उनके सामने बैठने का हिम्मत नहीं होता था, वो यहाँ बैठे तो हमें दूसरे टेबल पे बैठना पड़ता था, मतलब वो वाला चीज था। बट उसमें ये था कि एज में बहुत डिफरेंस था, ठीक है, बट चीजें क्या हो रही है, बदल रही है, इसलिए यंग एडवोकेट को प्रैक्टिस करना चाहिए। ये भैया देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ लिखी है, थूकना मना है, और देखिए यहाँ ये है इंडिया, और ये कोर्ट का सीन है, ये है इंडिया जहाँ लिखा हुआ है धूम्रपान वर्जित है और थूकना मना है, वहीं पे थूकेंगे, मतलब मारना पड़ेगा। लेकिन बैक टू टी सजारी कोर्ट, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज अभी मैंने देखा, रोहिणी कोर्ट बाहर आ रहा था तो लिटिगेंट, एक लेडी लिटिगेंट आ रही थी बाहर, और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे थे, 4-5-6 साल के होंगे मुश्किल से, तो एक बच्चा रो रहा था, तो वो डांट करके बोल रही थी कि चुप रहो नहीं तो पुलिस आ जाएगा, वो डरा रही थी पुलिस के नाम से। तो एक चीज़ मैंने उन्हें बोला कि यार ऐसे मत करो, ये पुलिस के नाम से आज डरा रहे हो बच्चों को, और कल यही बच्चे बड़े होंगे, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रहेंगी कि पुलिस पता नहीं कुछ ऐसा होता है जो जिससे डरना चाहिए, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे अपने बच्चों को मत डराइए, पुलिस क्या है, आप एक भोकाल बना के रखे हो पुलिस का, क्यों डरेगा पुलिस से बच्चा, तो ये गलत प्रैक्टिस है, उनको परेशान मत कीजिए, उनको भयभीत मत कीजिए पुलिस के नाम से। चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त, कल कुछ और नया सीखेंगे, कल देखेंगे। उठा लो पैसा, कहाँ गया इसका शीशा कहाँ गया, हाँ निकाल लीजिए, तो कल फिर नया कुछ सीखते हैं, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिएगा यदि कुछ नया सीखा है तो।